पैरामेट्रिक फॉर्म में अच्छा पैरामेट्रिक स्लोप फॉर्म और ये तीनों फॉर्म हम कार्टेशियन। कार्टेशियन फॉर्म तीनों फॉर्म हमने बता दिया था ना। हाँ तो वैसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बहुत सिंपली हम लोग लिख सकते हैं। या उससे पहले अगर हम लोग चाहें क्वेश्चन करना तो क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे फाइंड इसको मिटाते हैं, इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग शुरू करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ या फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जल्दी से ये क्वेश्चन सब लोग लिख लीजिए, ये क्वेश्चन सब लोग जल्दी से लिख लीजिए। और इसको ट्राई करिए, लिख लिया होगा सबने, ट्राई करिए। तब तक मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखता हूँ। देखिए जल्दी से वो हो गया, हो जाए तो बताइए जल्दी से। देखिए मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं हम लोग। इलिप्स है ये, ठीक है, और कोई भी टेंजेंट मान लिया रैंडम टेंजेंट ये है जिसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे पी एच कॉमा के, इसी का लोकस हमें बताना है। तो कोई भी टेंजेंट का इक्वेशन जो होता है वो एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1 ये होता है, ठीक है। तो अब अगर ये होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये कोऑर्डिनेट क्या करेंगे वाई जीरो कर देंगे। तो ए बाई इस तरीके का हमने सर्कल में क्वेश्चन किया था, ए बाई कॉस थीटा कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा बी बाई साइन थीटा, ठीक है, ऐसा कुछ किया जाएगा। तब तो बहुत आसान है कि ए बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू एच एंड बी बाई टू साइन थीटा, क्योंकि मिड पॉइंट है ना इन दोनों पॉइंट का, इज इक्वल टू के। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एक रिलेशन लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये जो होता है ये 1 होता है। तो यहाँ से आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा कि वैल्यू सीधा सीधा हम लोग रख देंगे, वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू 2h बाई a टू द होल स्क्वायर प्लस 2k बाई b टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एक इलिप्सी बन रहा है बेसिकली। तो टेंजेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म जो है वो दिख रहा है कि हम लोग यूज करके बना सकते हैं ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसा होगा? फिर से वही सारा कुछ है, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म ये बहुत ज्यादा, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ये है। तो कार्टेशियन फॉर्म, अब जैसे इसमें हमें लिखना हो कि किस तरीके से हम नॉर्मल के क्वेश्चन लिखेंगे, तो सी इसमें याद रखना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा क्या होता है, जो टेंजेंट का इक्वेशन, जैसे हम लोग टेंजेंट टी जो होता है वो क्या होता है, एक्स एक्स वन, हम लोग पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन पे लिख रहे हैं, तो एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस बाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये होता है हमारा टेंजेंट। तो इसका स्लोप अगर हम लोग एम देखें इसका, तो एम कितना आ रहा है, वो आ रहा है माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स वन कॉमा वाई वन, ये स्लोप हो गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा ए स्क्वायर बाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन। तो वैसे ही हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू वाई वन बी स्क्वायर इंटू एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। तो इस तरीके से हमारा नॉर्मल का इक्वेशन आ गया कार्टेशियन फॉर्म में। वैसे ही पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी लिखना बहुत आसान है, ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा, सorry, ये हाइपरबोला कर मैंने लिख दिया, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, है ना ये चीज है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं ना, सीधा एक्स वन बाय वन की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, वो चीज लिख सकते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इसका ये दिखता है, मैं लिख दे रहा हूँ, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर एंड दिस इज नॉट नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ये नहीं है, ये स्लोप फॉर्म है। स्लोप फॉर्म है, तो स्लोप फॉर्म क्या होगा, स्लोप फॉर्म में हम लोग इसको भी डायरेक्ट एम के टर्म में लिखना है। तो एक सेकेंड, ये ज्यादा यूज भी नहीं रहता है, इसमें यूज नहीं आएगा, स्लोप फॉर्म थोड़ा सा लेंदी भी होता है, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, वरना अगर लिखना होगा तो मैं बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। इसको हम लोग को एम मानना पड़ेगा, इसको एम से रिप्लेस करना होगा, फिर एक्स वन वाई वन ये जो लिख रहे हैं सबको एम के टर्म में हमें रिप्लेस करना होगा। तो एम के टर्म में बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनता है ऐसा कुछ करके, वाई इक्वल टू एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है कि ये क्या है, प्लस माइनस कुछ, यहाँ पे एम के टर्म में ए और बी के टर्म में एक एक्सप्रेशन बनता है, तो वो खास इंपॉर्टेंट है नहीं, हालांकि हम लोग डिराइव कर सकते हैं बट वो जरूरी नहीं है। अगर नॉर्मल का इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा एलिप्स का, या तो आप ये यूज कर लो या तो आप ये यूज कर लो, ठीक है। तो ये चीज हो गया यहाँ से, ठीक है, या इवन हम लोग यहाँ से भी नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं। ये स्लोप यहाँ से दिख रहा है, स्लोप क्या है, इसका स्लोप अगर लिखें तो ए बाई बी सेक थीटा अपॉन कॉस सेक थीटा, है ना, यही हमारा स्लोप है एम। तो यानी यहाँ पे टैन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू ए बाई बी, ये एम है ना। तो यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे एम के टर्म में, तो सेक थीटा कोसेक थीटा सब सारा एम के टर्म में निकालेंगे, रिप्लेस कर देंगे एम के टर्म में, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो वो हम करने नहीं जा रहे, दिख भी रहा होगा कि ये कॉम्प्लेक्स है, वो जरूरी नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, ये समझ में आया क्या? हाँ, अगर ये समझ में आ गया होगा तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एलिप्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई नाइन इज इक्वल टू वन, ऑन विच
ऑन विच द नॉर्मल्स आर पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन 2x - y = 1। सॉल्यूशन जल्दी से इसको बनाइए। तो हुआ क्या है? देखिए, अगर हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे क्या आ जाएगा? पॉइंट हमारा क्या होगा, 2 cos थीटा कॉमा 3 sin, ये एक कोई भी रैंडम पॉइंट हमने लिख दिया, ठीक है। तो नॉर्मल हमारा क्या आएगा? नॉर्मल अभी देखिए यहाँ पे हमने लिखा है नॉर्मल, ax sec θ - b cosec θ = a² - b² ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक सेकेंड, ऐसा लिखेंगे, a2 हो गया x, नीचे cos θ - b3y sin θ = a² - b² दैट इज 5, 4² - इतना 5 हो गया। तो इसका अगर हम लोग स्लोप देखें, स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप आ रहा है इसका tan 2/3 tan θ, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए हमारा हाफ के इक्वल, 2 के इक्वल होना चाहिए। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, यानी tan θ = 3 आ गया, tan θ = 3 आ गया। तो tan θ आ गया, हमें पॉइंट चाहिए, tan θ पता है तो cos θ और sin θ लिख लेंगे, है ना। cos θ की वैल्यू क्या आएगी, cos θ लिख सकते हम लोग 1/√10 ± वैसे ही sin θ की वैल्यू लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3/√10 और ये भी प्लस माइनस में आएगा। तो यानी यहाँ पे ऐसे 4 पॉइंट्स पॉसिबल हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, चार नहीं, ये लिख देंगे हम लोग 2 ± 2/√10 ± 9/√10, ठीक है। तो tan θ 3 आने का मतलब क्या है, एक थीटा जब किस में हो, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, यानी दोनों पॉजिटिव, एक थीटा जब किस क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी दोनों वैल्यू निगेटिव, तो 2 पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे, इसलिए 2 वैल्यू है। देखिए, तो किसी को दिक्कत है, समझ में आ गया सबको? किसका? sin θ का वैल्यू क्या sin θ? साइन थीटा का वैल्यू 3/ ये है ना, रूट रूट, जैसे थ्री बाय रूट टेन हाँ टैन थीटा आ गया ना, तो बाकी तो हम लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे ना। यस 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 तो वही चीज है, ठीक है, क्लियर है ये?
एंड ओके सो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था नॉर्मल, नॉर्मल से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आता वही सारा कुछ जैसे एलिप्स में भी, एलिप्स में भी सारा कुछ आएगा, पॉड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट, एंड द लास्ट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट एंड पेयर ऑफ टैंजेंट। इलिप्स का इक्वेशन जो है वो वही है। ये हो गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू जीरो हमें पता है, टी इक्वल टू एस वन, एंड पेयर ऑफ टेंजेंट एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये सब कुछ हमने, ये अब तीसरी बार आ रहा होगा, एक बार सर्कल में, एक बार पैराबोला में, एलिप्स में, और सेम हम लोग आगे पढ़ेंगे हाइपरबोला तो वहां पे भी ये चीज आएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें जल्दी से क्वेश्चन बनाइए। इफ फ्रॉम अ पॉइंट P, tangents PQ and PR are drawn to the ellipse x square by 2 plus y square is equal to 1, so that the equation क्यू आर इज एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू वन, देन फाइंड फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी पता करना। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, जल्दी से बनाइए इसको। हो गया क्या, किसे हुआ? ये तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का अगर दिख रहा हो, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है।
इस पे अगर हम लोग कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इसका इक्वेशन लिखते, टी इक्वल टू जीरो हो जाता, ठीक है। ये पॉइंट है पी एंड ये पॉइंट है, आई थिंक, नहीं सॉरी, ये पी है, ये क्यू है एंड ये आर है, ड्रॉन एंड इक्वेशन ऑफ क्यू आर इसका दिया हुआ है। तो टी इक्वल टू जीरो करेंगे तो इसी का इक्वेशन आएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि एक्स एक्स वन बाई टू प्लस वाई वाई वन बाई वन इज इक्वल टू वन, ये आ गया। और क्यू आर का दे रखा है कि एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू वन, सीधा सीधा कंपेयर कर लेंगे तो एक्स वन इज इक्वल टू टू एंड वाई वन इज इक्वल टू थ्री, तो वो जो पॉइंट ये वाला है वो 2,3 है। यहाँ से ये चीज लिखा जा रहा है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे रिलेटेड। क्लियर है ना ये? ये क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज सच दैट कॉर्ड ऑफ विच इज सच दैट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम टू द फ्रॉम इट टू द एलिप्स फॉर्म्स अ ट्रायंगल ऑफ कांस्टेंट एरिया। ये क्वेश्चन है, तो हमें बताना है कि उस पॉइंट का लोकस क्या होगा। जल्दी से इसको ट्राई करिए। जल्दी से इसको ट्राई करिए। क्या हुआ क्या ये? तो
ये भी गॉड ऑफ कॉन्टैक्ट से ही रिलेटेड है, ये भी तो हो जाना चाहिए था, ये तो उतना सर टफ नहीं था। हाइपरबोला आ रहा है, हाइपरबोला, हाँ किस टाइप का हाइपरबोला, कुछ आइडिया है? रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर। हाइपरबोला, बिल्कुल सही। से बाकी लोग क्या हुआ? देखिए मैं बनाता हूँ ना, जैसे ये बोल रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, जो इलिप्स है, ठीक है मान लिया ये इलिप्स है, तो इसका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहीं से भी किसी पॉइंट से, मान लिया यहाँ से हमने टेंजेंट ऐसे खींचा ये और ये, तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हुआ, तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एरिया बनाएगा ना वो कांस्टेंट है, तो इस पॉइंट का लोकस क्या है, पॉइंट का मान लिया एच कॉमा के, ठीक है तो ये हो जाएगा एच एक्स बाई ए प्लस के वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा ना हमारा, ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, अगर हमने एक्स को जीरो कर दिया तो एक्स जीरो तो बी बाई के, एंड अगर ये जीरो तो ए बाई एच कॉमा जीरो, और एरिया क्या होगा, हाफ बेस ए बाई एच इंटू बी बाई के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, तो एच बाई एच इंटू के इज इक्वल टू सी, और ये क्या है, एक हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये आ गया। और वैसे भी हम लोग अब हाइपरबोला पे ही मूव करने वाले हैं, तो ये सब चीज तो क्या है कि अगर सर्कल में ही अच्छे से आपने कर लिया तो इसको दोबारा करने की जरूरत भी नहीं है, अगर टाइम कम हो तो ये अंडरस्टूड होता है, एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, बार बार चीजें आती रहती है। देखो जल्दी से देख लीजिए, ये सब क्लियर हो गया होगा, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज हाइपरबोला। और भी छोटे छोटे चीज होते हैं उसमें, इलिप्स में नॉर्मल से रिलेटेड या टेंजेंट से रिलेटेड, बट वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको मेनली आप कंफर्टेबल होने चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सारे में, आप चाहे सर्कल पढ़ रहे हो, इलिप्स पढ़ रहे हो, पैराबोला पढ़ रहे हो, हाइपरबोला पढ़ रहे हो, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में आप कंफर्टेबल होने चाहिए, फिर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट, एंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, ये जो बेसिक चीज है ना, ये सारे टॉपिक्स में आप इनमें कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप आराम से कर सकते हो, तो ये वाला टॉपिक है हाइपरबोला। अब फिर से अगेन वही सारी चीजें शुरू करेंगे डेफिनेशन से, डेफिनेशन के बाद इसका जनरल इक्वेशन लिखेंगे, जनरल के बाद स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के बाद सेंट्रल, सेंट्रल के बाद क्या करेंगे हम लोग, वही सब सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, और उसके बाद टेंजेंट, नॉर्मल, बस इसमें लेकिन थोड़ा सा अलग है, क्या है कि इसमें एक लास्ट में हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हमें दिखना है, ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इसका भी स्टोरी हाइपरबोला। सबसे पहला चीज क्या है कि जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, वो हमने बता दिया है कि वो कब हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको मैं फिर से यहाँ पे ला नहीं रहा हूँ, है ना, वो जो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 2 HXY प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो वहाँ पे हमने बताया था कि एक डेल्टा हम लोग लिखते थे, ठीक है, और डेल्टा के बाद हम लोग क्या करते थे, डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो वहाँ पे पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, तो हाइपरबोला के लिए कंडीशन क्या होता है, ई शुड बी ग्रेटर देन, ई जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 यहाँ पे होता है, ठीक है, जैसे मान लिया एक फिक्स्ड लाइन है एक्स, एक सेकेंड,
ये है एक फिक्स लाइन है, एक फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मूव करेगा इस, ठीक है, पी और ये, तो यहाँ पे एस पी अपॉन पी एम जो होगा वो ग्रेटर देन वन होगा, ये चीज होगा। एंड देन ये हाइपरबोला के लिए होगा, और हाइपरबोला का अलग डेफिनेशन, जैसे इलिप्स में था कि दो फिक्स पॉइंट है, यहाँ पर भी दो फोकस होगा, एस और एस टेस, ठीक है, और कोई पी पॉइंट मूविंग है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एस पी माइनस एस डैश पी, ये जो होना चाहिए ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए, तो इस टाइप के जो लोकस बनेगा पी पॉइंट का, वो अगेन क्या बनेगा, एक हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा, जैसे एलिप्स में सम कांस्टेंट होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस कांस्टेंट है, तो अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो वो हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, जनरल क्वेश्चन ऑफ हाइपरबोला, जनरल इक्वेशन वही जन सेम चीज, अगर मान लीजिए ये एक्स वन कॉमा वाई वन है, कहीं पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है, एंड कहीं पॉइंट इस तरीके से एम, ठीक है, और ये लाइन मान लिया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये लिखेंगे, एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एंड पी एम स्क्वायर, ऐसा है, तो एस पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ये चीज, तो ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये कब हम लिखेंगे, जब हमारे पास एक फोकस हो और एक डायरेक्ट्रिक्स हो, तो उस केस में अगर हमारे पास इस तरीके का सिचुएशन या कंडीशन होगा तो हम इक्वेशन इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब एज इट इज या एज यूजुअल हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखते थे, नेक्स्ट हमारा होता था स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स, सॉरी नॉट एलिप्स, हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। हमारा x इज इक्वल टू ए बाई ई
एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ये है एक्स इक्वल टू ए और ये है एक्स इक्वल टू माइनस, ये ऑरिजिन है हमारा, ओरिजिन है ये हमारा, सेंटर है ठीक है, ये अगेन वर्टेक्स है ठीक है, वर्टेक्स चलिए लिख देते हैं, वर्टेक्स सिमेट्रिक है तो एक साइड में वर्टेक्स लिख रहा हूं तो दूसरा साइड अंडरस्टूड, ये सेंटर ठीक है, ये फोकस ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स एंड ये टीवी, टीवी मीन्स टेंजेंट एट वर्टेक्स, हमने बहुत सारी बार लिख दिया, ये अगर अगेन कोई परपेंडिकुलर कॉर्ड है तो ये डबल ऑर्डिनेट है, डबल ऑर्डिनेट है ठीक है, ये चीज हो गया, ये वाला जो लेंथ है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस ठीक है, एंड इसको जो हम लोग बोलते हैं ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये जो हो गया हमारा ये ट्रांसवर्स एक्सिस, तो इतना सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वो फोकल डिस्टेंस, फोकल जो भी है, फोकल कॉर्ड सब यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेंगे बिल्कुल वैसा ही। और अगर हम लोग एक पॉइंट ले लें ऐसा कुछ, मान लिया एक पॉइंट ऐसे ले लिया यहाँ पे ना ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे, ये एस है, ये एस टेस है और ये पी है, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एस टेस पी माइनस एस पी, ये जो होता है वो हमेशा टू ए के इक्वल होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ठीक है, ये वाली चीज है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, और हम लोग चाहे यहाँ पे इसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट में हम लोग इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में क्या है, जैसे मान ली लिखता हूं मैं इसका इक्वेशन, ठीक है ये है, ये ऑरिजिन है हमारा, ये ए कॉमा जीरो एंड अगेन ये माइनस ए कॉमा जीरो, तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो हम लोग डेरिवेशन वगैरह पार्ट पे कुछ नहीं जा रहे, सीधा ये चीज है क्योंकि सबको बेसिक बहुत ज्यादा पता है और डेरिवेशन से यहाँ से कुछ नहीं फायदा होता है, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, ध्यान देना है इलिप्स में वन माइनस ई स्क्वायर होता था, ये होगा, और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि ए बड़ा होना चाहिए कि बी बड़ा होना चाहिए, इससे कोई लेना देना नहीं है ठीक है, ए बड़ा होगा तब भी यह हाइपरबोला है, बी बड़ा होगा तब भी यह हाइपरबोला है ठीक है, ओके तो ये चीज हमने कर दिया, इसके बाद क्या करते हैं सारा कुछ हम लोग लिखते हैं, जैसे वर्टेक्स पहला, नॉट वर्टेक्स सेंटर, सेंटर 0,0, वर्टेक्स प्लस माइनस 1,0 ठीक है, और वर्टेक्स के बाद फोकस प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई
एंड देन डायरेक्ट्रिक्स हो गया टीवी, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये है एक एक्स इक्वल टू माइनस ए एंड एक ये है एक्स इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस टू, जैसे उसमें मेजर एक्सिस होता था, यहाँ पे ट्रांसवर्स है और एक कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस टू बी, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम अगेन हमें फाइंड करना होगा। जैसे ये है ना लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, क्या होगा, हमने पैराबोला में सीख रखा है, इलिप्स में सीख रखा है, तो यहाँ पे ये आप लोग का काम है कि आप जाके इसको फाइंड करें। मैं डायरेक्ट सीधा लिख रहा हूँ 2b² बाई a, इलिप्स में भी सेम होता था, जाके कोशिश करना है। और फिर एक और एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज ऑफ एलआर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस b² बाई a। पीसी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा, ये आ गया। यहाँ पे भी समझना होगा ये थीटा जो है अगेन ये सेंट्रिक एंगल है, और ये कौन सा एंगल है उसको भी हमें समझना होगा। ठीक है, तो पहले ये बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक जो भी हमने किया सबको क्लियर होना चाहिए, तो बहुत बेसिक था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑक्सिलियरी सर्कल। ऑक्सिलियरी सर्कल ठीक है, ये क्या है, ये है जैसे हमने ये हाइपरबोला बनाया, बनाओ ये हाइपरबोला बनाया ऐसा, एक लाइन एक लाइन, एक ये लाइन एक ये लाइन, ठीक है, यहाँ से हाइपरबोला ऐसा बनेगा, इस ऑक्सिलियरी सर्कल इलिप्स में भी था, यहाँ पे भी एक सर्कल है, यही उसमें क्या था, मेजर एक्सिस को एज अ डायमीटर मान के बनाते थे, यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस को एज अ डायमीटर मान के बनाएंगे, तो जो सर्कल आएगा वही आएगा। यहाँ पे भी इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² + y² = a², तो यहाँ पे भी समझ में आना चाहिए कि जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है वो ए सेक थीटा बी टैन थीटा कैसे हो जाता है, जैसे हमने सर्कल में देखा था ना कि ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा ये कैसे हो जाता है, तो वैसे यहाँ पे समझ सकते हैं। ये एंगल मान लिया थीटा है, ठीक है, इसके 90 ऐसे खींच दिया, यहाँ पे कहीं पे कट कर रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसी का कोऑर्डिनेट आएगा। जैसे ये सर्कल का रेडियस ए है, तो अब अगर ये जो लेंथ हम लोग देखेंगे यहां से लेके यहां तक, ये क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए सेक थीटा कॉमा 0, बस ये ए है तो ये ऑब्वियस ही बात है ए सेक थीटा होगा, तो ये ए सेक थीटा हो गया। और अगर हाइपरबोला की इक्वेशन इसमें रख देंगे, एक्स की जगह अगर ए सेक थीटा रख देंगे यहाँ पे, है ना, तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिक, सॉरी नॉट बी, वाई की वैल्यू ऑटोमेटिक प्लस माइनस बी टैन थीटा आ जाएगा, तो हम लोग बस एक वाला कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि एक वैल्यू करस्पॉन्डिंग दो वैल्यू आएगी, एक माइनस वाला नीचे आएगा, तो वो हम लोग अभी नोटिस नहीं कर रहे, हमें सिर्फ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एक जनरल किस तरीके का होगा, तो वो होगा ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा, और ये जो थीटा है ये सेंट्रिक एंगल है। तो ये चीज ऑक्सिलरी सर्कल के रिस्पेक्ट में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पहला चीज क्लियर हो गया।
अब एक और होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं यहाँ पे हाइपरबोला, ठीक है, ये हाइपरबोला हो गया और ये मतलब नॉर्मल हाइपरबोला, और ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला। जैसे ये वही चीज है, इलिप्स में जैसे एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता था और एक वर्टिकल इलिप्स होता था ना, तो सेम कुछ उसी तरीके का यहाँ पे इलिप्स होगा, सॉरी हाइपरबोला होगा, एक इस तरीके का नॉर्मल हाइपरबोला जिसको अभी हमने पढ़ा, और एक होगा हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला आपका ऐसा दिखेगा, बनाते हैं ऐसा दिखेगा, ठीक है, और ये वाला हाइपरबोला कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इन सबों में इक्वेशन देख लेते हैं, सबसे पहला चीज जो इक्वेशन कैसे डिफर करेगा, इक्वेशन इसका तो यही होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बट कॉन्जुगेट में ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बस इसको -1 यहाँ लगा देना है। यहाँ पे ए और बी बड़ा है छोटा है इससे लेना देना नहीं होता, यहाँ पे सीधा क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। इस केस में जो हाइपरबोला बनेगा वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है। पहला चीज तो लेंथ ऑफ पहला, अगर हम लोग सेंटर की बात करें सेंटर, जीरो कॉमा जीरो, सेंटर 0,0, ठीक है। वैसे ही ट्रांसवर्स एक्सिस, टीए मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस, इसमें 2a इसमें 2b, एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इसमें 2b इसमें 2a। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की बात हो रही, फोकाई, फोकस इसका क्या होता है प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, इसका क्या होगा 0,+-b, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इसका होता है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू +-b +-b बाई, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। उसके बाद अगर हम लोग लिखें वर्टेक्स, वर्टेक्स इसका +a,0, ये हो जाता है 0,+-b, ये हो गया। इसेंट्रिसिटी वाला रिलेशन अगर देखें तो यहाँ पे ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये ऐसा लिख लेते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस गया गया। और लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 2b² / a, ये 2a² / b, ठीक है। बाकी दिख रहा है कि कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, टीवी क्या होगा, वो सब तो दिख ही रहा है, ये सब ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं, PC, a sec θ, b tan θ, सही है, ये हो जाएगा b sec θ, a tan θ, तो ये चीज आ गया, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा ये तो। हाँ, पर बोला एक और सब लोग देख लीजिए, किसी को कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा हो कोई पॉइंट में तो जल्दी से पूछिए, ठीक
किसी को कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन लग रहा हो तो जल्दी से पूछिए। क्या सबको क्लियर है क्या ये? ठीक है, क्वेश्चन करते हैं तब। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द सर क्वेश्चन। हाँ हाँ बताइए। मेरा एक डाउट था, जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करें तो ऐसा माइनस कुछ वन नहीं आ रहा था? एक सेकेंड नहीं आएगा। मेरे ख्याल से ए टैन थीटा बी सेक थीटा ऐसा होना चाहिए। एक सेकेंड देख लेते हैं उसको। अगर हमने 20 sec थीटा रखा, ठीक है, और ए टेन, तो सही तो है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ही तो होता है। एक सेकेंड एक सेकेंड, एक्स की जगह सेक स्क्वायर। हाँ ये थोड़ा गड़बड़ हो गया लग रहा है। ऐसा लिख सकते हैं इसको, तो वाई की जगह लिखना था बी टेन थीटा, बी सेक थीटा हाँ आप सही है। एंड ए टेन थीटा। ठीक है, वो इसको देख के अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, थैंक यू ध्यान दिलाने के लिए। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। पहला है उस एक्सिस आर कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टिसेस फ्रॉम द फोकी R3N1। एक क्वेश्चन ये, इसका ही क्वेश्चन बनाना है। सेकंड पार्ट है उस क्वेश्चन का, उस सेंटर इज 1,0 एंड फोकस इज 6,0 एंड ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इज 6। ये है तो ये वाला हमें बनाना है। क्वेश्चन देखिए, सबको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फाइंड द क्वेश्चन हुज एक्सिस आर कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टिसेस फ्रॉम द फोकी। जैसे ये पैराबोला हो गया, हाइपरबोला, ये आ गया, और ये ये वर्टेस वन ऑफ वर्टेस ये मान लिया 1,0 एंड एक ये हो गया 1,0 और एक फोकस ये हो गया माइनस 1,0। तो अब क्या है, बोल रहा है एक से डिस्टेंस वन है, यानी ये वाला डिस्टेंस ए माइनस ए ये वन है एंड इसका इससे डिस्टेंस यानी कि
प्लस ए, ये 3 है, यही है ना। यहां से सॉल्व करेंगे तो ए ई की वैल्यू आ जाएगा 2, तो ए की वैल्यू आ जाएगा 1, यानी ई की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ये आ गया, तो ये आ गया, तो बी स्क्वायर लिख देंगे, ए स्क्वायर 1, ई स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी 3, हाइपरबोला का इक्वेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 1, हाइपरबोला आ गया। ये सिंपल है, इस तरीके से हमें लिखना। तो ये हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। सेकेंड वाला बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं, जैसे ये वाला है, ओरिएंटेशन देख लिया। अब यहाँ पे ना ये सेंट्रल फॉर्म का है, और सेंट्रल फॉर्म चूंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पे लिखने आना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसका क्या है, सेंटर जो है ना वो 0,0 नहीं है, 1,0 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक मान लिया यहाँ पे इसका फोकस है 6,0, तो ये सेंटर से जो डिस्टेंस होता है कहाँ तक, फोकस तक, वो कितना होता है, वो होता है ए, ए इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब 2a, 2a 6 दिया, ए का मतलब 3 है, बस ae 3 है, ई कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू तो 5/3 आ गया, तो ई की वैल्यू आ गया, तो बी स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे, ए स्क्वायर 9, ई स्क्वायर 25/9 -1, यानी बी स्क्वायर जो आ गया वो आ गया 144/9, तो हाइपरबोला के क्वेश्चन आ जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, x-1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 9 -y स्क्वायर टू द बेस, हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, आएगा 144 × 9 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया हाइपरबोला। ध्यान देना, ये भी, ये हमने सेंट्रल फॉर्म ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, बट फिर भी हम लोग चाहें तो एक एग्जांपल इस पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला का इक्वेशन है हमारा 9x² - 16y² - 36x + 96y - 252 = 0। ये है, अब ये सेंट्रल फॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेंट्रल फॉर्म इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, सबको क्लियर है ना सेंट्रल फॉर्म, एक और जल्दी से बताइए, सेंट्रल फॉर्म सबको क्लियर है ना, जिसमें जो सेंटर होता था वो 0,0 ना होके α,β शिफ्ट कर दिया जाता था, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग सारे पॉइंट्स शिफ्ट हो जाते थे, जो कि हमने पैराबोला और इलिप्स दोनों में देख लिया है। तो हाइपरबोला में एज्यूम करके चल रहे हैं कि
ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, डायरेक्ट एक एग्जांपल से पूरा रिवाइज हो जाएगा, है ना? क्लियर है ना? जल्दी बताइए। ठीक है, देखते हैं। किसी को शायद बोलने का मन नहीं है आज। यहाँ पे क्या है, इसको पहले हम लोग सेंट्रल फॉर्म में लेके चलते हैं। तो लेके चलेंगे तो ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, -16 कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर माइनस 3, नॉट वाई स्क्वायर -3, वाई -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 36 44, 34 44, 180, 80। इसके बाद ये आ जाएगा हमारा 144। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर बाई 16 माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ये आ गया, ठीक है। तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म इन द सेंस कि सेंटर अब 0,0 नहीं है, सेंटर जो है वो हो गया अब हमारा 2,3। इसको 0 करते हैं, इसको 0 करते हैं, तो सेंटर हमारा आ जाता है। और वर्टिसेस चाहिए। वर्टिसेस क्या होता है, अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलें, मतलब मान के चलें कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन 16 लिखा हुआ है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, तो वर्टिसेस होता है प्लस माइनस 1,0, ठीक है। तो यहाँ तो सेंटर चुकी है, तो ऐड होगा प्लस माइनस ए प्लस 2,0 प्लस 3, ये होगा। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4, है ना? यहाँ से आ जाएगा, अगर एक प्लस 4 लिया तो 6,3, और एक माइनस 4 ले लिया तो -2,3। तो जो हमारा वर्टेक्स आएगा, वो आ जाएगा 6,3, सही है, एंड -2,3, ये चीज सही है। तो अब इस तरीके के जितने भी सेंट्रल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला होंगे, आई थिंक वो अब सॉल्व हो जाएगा, है ना? उसको हैंडल हम लोग कर लेंगे। और एक इसके बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं हाइपरबोला के। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, टू सर्कल्स आर गिवन सच दैट दे नीदर इंटरसेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन हमने इलिप्स में भी कर रखा है। दे नीदर इंटरसेक्ट नॉट टच, देन आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल, सर्कल विच टचेस बोथ द सर्कल एक्सटर्नली। इसको जल्दी से सॉल्व करिए, 1 मिनट का टाइम है।
हुआ क्या किसी से, ये बना किसी से, देखिए मैं बताता हूँ, एक सर्कल ये है ठीक है, और एक सर्कल ये है, मान लिए ये सी वन है, बोल रहे टू सर्कल्स आर गिवन सच दैट दे नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट, दे देन आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल विच टच एक्सटर्नली बोथ द सर्कल, यानी एक कहीं ऐसा सर्कल है वेरिएबल सर्कल ठीक है, जो इन दोनों को टच कर रहा है, तो मान लिए इसका सेंटर सी है, इसका सेंटर सी टू हो गया, ये दोनों जो ब्लैक वाले हैं वो फिक्स्ड हैं, और ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है वॉलेट ब्लू, वो जो है मूव कर रहा है, तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट फिक्स्ड हो गया, ये पॉइंट फिक्स्ड हो गया, एलिप्स में सेम टाइप का क्वेश्चन आया था, यहाँ पे अगर देखें, हाँ सी सी टू ये होगा, अगर मान लीजिए आर टू है, ये आर है, ये आर है, ये आर वन है, तो सी सी टू होगा आर प्लस आर टू, एंड सी सी वन होगा आर प्लस आर वन, देन अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, सी सी टू माइनस सी सी वन इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, जो कि एक कांस्टेंट आ रहा है ना, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर डिफरेंस कांस्टेंट आता है टू फिक्स पॉइंट से, कोई ऐसा पॉइंट मूव कर रहा सकता है कि उसके डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट आता है, तो हम इस केस में बोलते हैं कि जो लोकस होगा उस पॉइंट का वो हाइपरबोला होगा, है ना, ये सबसे बेसिक से क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, सेंट्रल फॉर्म हमने कवर कर लिया, जनरल फॉर्म कवर कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म कवर कर लिया, अब हम लोग देखेंगे पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ हाइपरबोला, ठीक है, पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोल, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसको समझना है, जैसे इससे पहले जो भी हुआ, जैसे मान लिया हाइपरबोला का जो इक्वेशन है वो ये है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, लेट सपोज ये एक हाइपरबोला है यहाँ पे, और कोई एक पॉइंट पी हमने कंसिडर कर लिया एक्स वन कॉमा वाई वन, तो अब अगर एक क्वांटिटी हम फाइंड कर रहे हैं एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन माइनस वन, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे क्या है ना, जैसे इस टाइप की चीज जब हमने सर्कल में बनाया, एलिप्स में बनाया, हाइपरबोला में, पैराबोला में बनाया, ठीक है, तो उन सारे केसेस में क्या होता था कि इफ एच वन अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो जैसे पैराबोला एलिप्स में ऐसा कोई टर्म बनाते थे ग्रेटर देन जीरो होने पे पॉइंट बाहर होता था, बट यहाँ पे पॉइंट जो होगा वो पी जो होगा, पी विल बी इनसाइड द हाइपरबोला, बहुत लॉजिकल है ये, आराम से समझ सकते हम लोग, एच वन इक्वल टू जीरो का मतलब होगा पी लाइज ऑन द हाइपरबोला, ठीक है, एंड एच वन अगर लेस देन जीरो है तो पी लाइज आउटसाइड द हाइपरबोला, ओके, ये इसका कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे और जो पहले वाले केस में हमने पढ़ा था उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे और पहले वाले जो हमने पढ़ा वो वाला ध्यान रखना है हमें, ओके क्लियर है ना ये सबको, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन इसके ना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जैसे जनरल फॉर्म से, जैसे मान लिया फाइंड द कोऑर्डिनेट, ये होमवर्क रहेगा, ये बना के आइएगा, अगर दिक्कत होगा तो इसको डिस्कस कर लेंगे, फाइंड
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई एंड द सेंटर सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला है ये, हाइपरबोला कुछ अलग है। 3x-4y-12 टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 माइनस 4x+3y-12 टू द होल स्क्वायर। सेम टाइप का एलिप्स का भी इक्वेशन मिल सकता है, 225 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हाइपरबोला जो बेसिकली होगा ना वो कुछ ऐसा होगा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे इसका ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस कुछ अलग अलग है ना। जैसे ये हो जाएगा, ये लाइन अगर देखेंगे, ये x0 पे y निगेटिव एंड y0 पे x पॉजिटिव, यानी एक लाइन कुछ ये है और इसी के परपेंडिकुलर कहीं भी ये लाइन है, ठीक है ऐसे। तो हाइपर ये एक कोई ट्रांसवर्स एक्सिस होगा और एक कोई कॉन्जुगेट एक्सिस होगा, तो हाइपरबोला का ओरिएंटेशन जो होगा इस केस में वो कुछ ऐसा होने वाला, ठीक है। तो इस टाइप का हाइपरबोला है। तो सबसे पहले सेंटर फाइंड करना है, तो सेंटर हमेशा क्या आएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आएगा। और फोकाई फोकाई लाना है तो वो देख लेना, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस पता जाएगा और इस लाइन का स्लोप है, तो इतना यूनिट नीचे इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, इतना यूनिट ऊपर इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, बस। तो ये चीज भी हम लोग कर सकते हैं, ये वाला कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है। ये बना के लाना है। नेक्स्ट है हमारा, हम लोग फिर से उस टॉपिक पे आ गए, लाइन एंड हाइपरबोला। अब बहुत ही ये सब रिपीटिंग टॉपिक है, बस थोड़ा बहुत इक्वेशन में चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट सबके सब वही हैं, कुछ नया है नहीं। फिर अब हम लोग क्या देखेंगे, एक हाइपरबोला के इक्वेशन देखेंगे, जो कि हमारा x²(a²-y²)(b²) इज इक्वल टू 1 एंड y=mx+c, ठीक है। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक रिलेशन आएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, जैसे हम लोग इसमें पुट कर देंगे y की जगह, अगर मान लिया हमने इसमें पुट कर दिया mx+c²(b²)=1, और फिर अब इसका जो क्वाड्रेटिक बनेगा तो d पे सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर d>0 है तो लाइन क्या होगा, उसके दो x की दो वैल्यूज आ गएंगी, अगर d>0 है तो दो पॉइंट पे कट करेगा, लाइन विल बी अ सेकेंड। तो कभी अगर इसके लिए कंडीशन अप्लाई करना हो कि कोई लाइन किसी कर्व के लिए सिकेंट है, तो जस्ट पुट करके क्वाड्रेटिक बना के d>0, d=0, लाइन जो होगा लाइन विल बी अ टेंजेंट, एंड इफ d>0 तो बोलेंगे कि उसका कोई लेना देना नहीं है उससे, कुछ स्पेशल नाम नहीं है यहाँ पे इस केस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर d=0 करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो c का वैल्यू आता है वो आता है +√a²(m²). इलिप्स में क्या आता था, +b², हाइपरबोला में जस्ट थोड़ा सा चेंज है और -b². तो ऑलमोस्ट अगेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम ही चीज है ना। इलिप्स में भी क्या आया था कि c की वैल्यू आ गया था, सारा प्रोसेस सेम था। सी की वैल्यू जो आ गया था वो √a²(m²-b²), ये चीज आ जाएगा, ठीक है। तो अब फिर से हम क्या करने वाले हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट देखने हैं, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये चीज देखना है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में हमें क्या देखना है, सबसे पहला फिर से वही सारा चीज, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म x1, y1 एंड देन
पैरामेट्रिक, नॉट पैरामेट्रिक, स्लोप फॉर्म एंड देन पैरामेट्रिक फॉर्म. ठीक है, ये चीज हमें देखना है. तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, x1, y1. तो x1, y1 पे लिखेंगे अगेन, क्या जाएगा, रिप्लेस करने आना चाहिए, x x b² = 1. ये हो गया टेंजेंट. ठीक है, बहुत सिंपल है, टेंजेंट हमने लिख दिया. स्लोप फॉर्म में अभी हमने देखा ना, y = mx + √a² m² - b² ठीक है. और पैरामेट्रिक फॉर्म में मतलब a sec थीटा कॉमा b tan थीटा. तो यहाँ पे ये रख देंगे, ये रखेंगे, आ जाएगा x sec θ / a -y tan θ / b = 1. तो ये इस तरीके से हम लोग टेंजेंट के इक्वेशंस हम लोग लिख सकते हैं. और बाय चांस, अगर बाय चांस हमारे पास पैराबोला ये हो जाए, नॉट पैराबोला, हाइपरबोला, अगर हाइपरबोला ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म ना होकर जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म नहीं बोलेंगे इसको, सेंट्रल फॉर्म बोलेंगे. अगर ये सेंट्रल फॉर्म वाला हाइपरबोला हुआ, तो उसके लिए हमें टेंजेंट लिखना होगा. तो स्लोप फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसमें लिखना, तो वाई की जगह सीधा सीधा y - y1 कर देंगे, एम एज इट इज, एक्स एक्स नहीं रहा, x - x1 हो गया, प्लस माइनस बाकी जो कांस्टेंट है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा. तो बस अगर इन केस कभी टेंजेंट का इक्वेशन इसके लिए जरूरत पड़ा, तो ऐसे कर, ये वाला फॉर्म मेनली हमें यूज करना चाहिए, ज्यादा यूजफुल होता है. ठीक है, तो ये हो गया. समझ में आ गया क्या सबको, क्लियर है ना सबको, जल्दी से बता दीजिए, इज इट क्लियर. सर ओके, बहुत बढ़िया. तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग टेंजेंट के बेस पे. जैसे अच्छा हाँ, पिछले केस में ना, जैसे अगर मान लिया इसके टर्म में हमें यहाँ से अगर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एम के टर्म में फाइंड करना होता, तो इससे कंपेयर कर लेते और x1 y1 फाइंड कर लेते, वो एम के टर्म में आ जाता. क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व (4x²) - (9y²) = 1, which is parallel to 4y = 5x+7. ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन, करिए इसको. सर लास्ट क्वेश्चन वापस दिखा सकते हो 1 सेकंड के लिए? हाँ, क्वेश्चन अब देख लो. हाँ सर लिख लिया मैंने। ठीक है, आप उसको ट्राई करो, सब लोग जल्दी से उसको ट्राई कर लो. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इफ द लाइन
5x+12y इज इक्वल टू 9 टचेस द हाइपरबोला x² - 9y² इज इक्वल टू 9, देन फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक तो ये है कि इसमें हम सीधा सीधा सॉल्व कर दें तो वो भी कर सकते हैं, बट वो लेंदी हो जाएगा, हो सकता है। तो हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन यूज करके बनाया जा सकता है। जल्दी से बनाइए। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं तब तक। पहला हो गया क्या? देखिए ये बनाना है, यहाँ पे एम की वैल्यू हमें पता है 5/4 है, ठीक है। तो हाइपरबोला दिख रहा है, क्लियर है। तो हाइपरबोला का क्वेश्चन, टेंजेंट का क्वेश्चन क्या था? +√a² m² - b² तो क्या करेंगे, एम की वैल्यू ये रख देंगे और ए की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। 1/4 - y² 1/9 इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये a² है और ये b² है, वैल्यू सारा सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये टेंजेंट के क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, टेंजेंट के क्वेश्चन आ जाएगा जो उसके पैरेलल है, और एक लाइन के पैरेलल दो टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे, तो ये दो टेंजेंट इसलिए आ रहा है यहाँ पर। ये चीज हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस हाइपरबोला के इक्वेशन ऐसे लिख लेंगे, x(x1) - 9 - 9 y(y1) इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लेंगे 5x - +12 y इज इक्वल टू 9 से, कंपेयर कर लेंगे x1 एंड y1, फाइंड कर लेंगे क्या आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इक्वेशन है, इसको सोच के आना है। ये सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करके, एक तो कैलकुलस से भी इसको बना सकते हैं, dy/dx जो सबसे बढ़िया तरीका है। dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, वहां से भी बना सकते हैं।
और चाहे तो हम लोग यहाँ पे भी हम लोग बना सकते हैं। तो आज मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम है, इसलिए थोड़ा डिले भी हुआ था, और मुझे यहीं पे थोड़ा फिनिश करना होगा। तो जो कल का लेक्चर है ना सैटरडे को 1 घंटे का, उसमें हम लोग 1.5 घंटे का कर लेंगे, हाफ एन आवर एक्सटेंड कर लेंगे, तो इधर वाला मैनेज हो जाएगा। आज मुझे थोड़ा अर्जेंट है, जाना पड़ेगा। तो अभी तक जितना भी पढ़ाया आप देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर कल मिलते हैं अपने शेड्यूल टाइम पे। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ नो सर, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।